आजच्या भारत जोडो यात्रेच्या शेगावच्या पुण्यभूमीमध्ये होत असलेल्या पवित्र भूमीमध्ये होत असलेल्या आजच्या विराट सभेसाठी उपस्थित असलेले आदरणीय राहुल जी गांधी, महात्मा गांधींचे नातू आणि गांधीजींचा विचार जे सातत्यानं जगामध्ये पुढे नेत आहेत असे आदरणीय तुषारजी गांधी, छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र बघेल जी, माननीय जयराम रमेश जी, माननीय केसी वेणुगोपाल जी, प्रभारी माननीय एच के पाटील जी, आपले अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले जी, येथे उपस्थित असलेली आपल्या राज्यातील आणि बाहेर राज्यातील सुद्धा खूप पाहुणे मंडळी आले, सर्व भारत यात्री आणि सर्व बंधू आणि भगिनी, आज शेगाव येथे ही विराट सभा होते आहे। हा आजचा प्रसंग आपल्या सर्वांच्या जीवनातला अविस्मरणीय अशा प्रकारचा क्षण आहे। आपण आयुष्यभर आठवू की शेगावची सभा अशी लाखोंनी भरलेली सभा। आपण आलो आहोत आदरणीय राहुल जी यांना पाठिंबा देण्याकरता, त्यांच्या या आंदोलनामध्ये सहभागी होण्याकरता, आणि त्याचबरोबर ते कन्याकुमारी पासून निघाल्यानंतर श्रीनगर पर्यंत जाणार आहे। त्यांच्या या यात्रेला त्यांच्याबरोबर असणाऱ्या सहकाऱ्यांना शुभेच्छा देण्याकरता आणि आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, भक्कमपणे पाठीशी आहोत असं आश्वासित करण्याकरताची ही आजची विराट सभा इथे होती आहे। या सभेचं वैशिष्ट्य मी सांगेन, सभा केल्या जातात, बळी माणसं भरून आणली जातात, गाड्या भरल्या जातात इथं नाही, ही सगळी सभा उत्स्फूर्त सभा आहे हे वैशिष्ट्य आजच्या या सभेचं या निमित्ताने सांगेल। मनापासून माणसं पाठिंबा देत असताना दिसत आहेत। आदरणीय राहुल जी कन्याकुमारी पासून निघाले आणि त्यानंतरचे सगळे क्षण चित्र जर आपण पाहिले तर आपल्या लक्षात येईल की ते भेटतायत लोकांना। गरीब माणूस येतो भेटतो, गरीब शेतकरी भेटतो, वयोवृद्ध येतो त्यांना भेटतो आणि त्या अत्यंत जवळ किंवा त्या जवळ घेतात। एखाद्या माऊलीच्या डोळ्यामध्ये आश्रू आले तर ते आपल्या हातानं पुसतात। एखादी वृद्ध महिला आहे ती आणि ते त्यांच्या गालावून हात फिरवती, प्रेमानं हात फिरवती, अशा पतीचं प्रेम वाटण्याचं काम, जिव्हाळा वाटण्याचं काम, आपुलकी वाटण्याचं काम राहुलजी संपूर्ण देशामध्ये करत असताना आपल्या सगळ्यांना दिसतायत। रोज 25 किलोमीटर चालतायत। रोज 25 किलोमीटर चालणे ही सोपी गोष्ट नाही। देगलूरला नांदेड जिल्ह्यामध्ये प्रचंड स्वागत झालं। त्या दिवशी राहुलजी कन्याकुमारीकडून तेलंगणामधून आले होते। पहिला 11 किलोमीटरचा प्रवास त्यांचा झालेला होता। माननीय अशोकराव चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली तिथे मोठं स्वागत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करण्याचं झालं आणि पुन्हा राहुलजी चालण्यास सुरुवात केली। कारण गुरु नानक यांचा जयंती होती, दुसऱ्या दिवशी रात्री 1 वाजता इथल्या शीख धर्मियांच्या असलेल्या गुरुद्वारामध्ये प्रार्थना होती। पुन्हा एक चालण्यास सुरुवात केली आणि पुन्हा 9.5 किलोमीटर रात्री चालले। रात्री 1 वाजता ते गुरुद्वाराला पोहोचले। 1 तास प्रार्थना चालली। एका दिवसामध्ये 19.5 किलोमीटरचं चालणं, खरं म्हणजे कुठून ही शक्ती प्राप्त झाली? रात्रीचा प्रवास केला, 2-3 वाजेपर्यंत जागरण केलं, सकाळी पुन्हा प्रवासाला सुरुवात केली, कुठून ही शक्ती प्राप्त झाली त्यांना? ही शक्ती जी आहे, खरं मी पाहतोय एका ठिकाणी पाऊस पडत होता, पावसामध्ये उभे राहिले, विराट सभेला त्यांनी मार्गदर्शन केलं। काही वेळेस चालतात ऊन असतं, काही ठिकाणी थंडी असते, काही ठिकाणी धूळ असते, काही ठिकाणी धुक्याचं वातावरण असतं, पण राहुलजी चालत असतात। त्यांच्यावर शेकडो त्यांचे सहकारी चालतात, त्याच्या पाठीवर हजारो अशा प्रकारचे लोक चालतात। खरं म्हणजे राहुलजींना ही शक्ती प्राप्त कुठून झाली असं वाटावं अशा प्रकारचा प्रश्न आपल्या सगळ्यांना वाटतोय की चालतातच कसे हे?
याच्यामध्ये आहे त्यांची जिद्द, मनापासूनचे प्रयत्न, आणि कशासाठी? हा देश वाचवण्याकरता, ही देशाची लोकशाही वाचवण्याकरता, या देशाची राज्यघटना वाचवण्याकरता राहुलजी निघालेले आहेत। आपली राज्यघटना काय सहज निर्माण झाली असं नाही, या देशामध्ये शतकानुशतक आपल्या संतांनी समतेचा विचार सांगितला, संतांनी सांगितलेला समता वर्तावी अंता खंडावी हा समतेचा विचार, संत ज्ञानेश्वरांचा विचार, संत तुकारामांचा विचार, संत चोखोबांचा विचार, संत सावळबाईचा विचार, संत नरहरी सोनाराचा विचार, संत गोरोबा कुंभाराचा विचार, त्याचबरोबर समाज सुधारकांची सुद्धा मोठी गावं नामावली आपल्याकडे आहे, जी महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू असतील, भारत डॉक्टर बाबासाहेब, या सगळ्यांच्या तत्वज्ञानातून जे तयार झालं खरं जे ते सगळं होता समतेचा विचार। सगळ्या संतांनी समतेचा विचार सांगितला, सर्वांना सर्व जाती धर्मांना बरोबर जाण्याचा विचार सांगितला, आणि असा किमयागार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या रूपाने मिळाला की तो सगळा राज्यघटनेत उतरवला। आज वेळ अशी आलेली आहे की एवढा शतकानुशतकाचा चाललेला हे मंथन, त्यातून झालेली आपली राज्यघटना, महात्मा यांच्या विचारातून निर्माण झालेला सत्याग्रह, आणि त्यानंतर त्या सत्याग्रहातून जे लोकशाहीचं शिक्षण दिलं गेलं, 75 वर्षाचा कालखंड आज पुरा करतो स्वातंत्र्याचा, लोकशाही माध्यमातून केला, काँग्रेसच्या विचारांना केलं, त्याकरता बलिदान दिले। तर आता एक पुन्हा अशी वेळ आली आहे की या विचाराला पुन्हा ताकद देण्याची वेळ आलेली आहे। कुठेतरी असं लोकशाहीचे जे आधारस्तंभ आहेत ते दळमळीत झालेले आपल्या सगळ्यांना दिसत आहेत, मूल तत्वाला हात घातला जातो आहे, त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणे हल्ले होत आहेत। पुन्हा एकदा आपली लोकशाही ताकदवान बनवण्याचं काम, पुन्हा सगळ्याला देशाला एक करण्याचं, जाती धर्म पंथातून एक करण्याचं काम हे करावं लागणार आहे, आणि ती जबाबदारी राहुलजींनी उचललेली आहे, आणि त्यांच्या पाठीशी आपण सर्वजण आहोत। मी आपल्याला या निमित्ताने सांगेन की राहुलजींचा हा विचार जो आहे तो देशाच्या हिताचा आहे, भविष्य काळाच्या विचाराचा आहे, आणि म्हणून या भविष्य काळाच्या विचार करता म्हणून आपल्याला त्यांना पाठिंबा द्यायचा आहे। खरं जे इथं अनेक जण पाठिंबा देत आहेत, अनेक क्षेत्रातली माणसं आहेत, वकील आहेत, डॉक्टर आहेत, ते येत आहेत, राजकारणातले नेतेही येत आहेत आणि पाठिंबा देत आहेत। मी या निमित्तानं सांगेल की अनेक माणसं आहेत, तुषारजी गांधी आलेत, मेघाजी पाटकर आल्यात, जस्टिस कोळसे पाटील असतील, गणेश दिवे असतील, लोकांचे जे किती नाव घ्यावेत ते जे आतापर्यंत काँग्रेसला बरोबर नव्हते, पण जर एक राहुलजी चांगल्या पद्धतीने काम करताय तर त्यांना आशेचा किरण हा राहुलजींमध्ये दिसतो आहे की हेच आहेत की पुढच्या काळाला देश वाचू शकतात, देशाची लोकशाही वाचू शकतात, आणि म्हणून ते पाठिंबा देत आहेत। खरं त्यांचं सगळ्यांचं स्वागत केलं पाहिजे, एकत्र हलाडा, पुढच्या काळातही आपल्याला लढण्याचं काम हे करावं लागणार आहे, आणि म्हणून आपण जो पाठिंबा दिला आज उत्स्फूर्तपणे एवढी मोठ्या संख्येने आपण आलेत तुझं स्वागत करतो, पण ही सुरुवात आहे, ही लढाई आपल्याला लढायची आहे आणि राहुलजींच्या नेतृत्वाखाली जिंकायची आहे, एवढंच मी सांगतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो। महाराष्ट्र काँग्रेस कमिटीचे कार्यक्षमा अध्यक्ष माननीय नानाभाऊ पटोलेंना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपलं या सभेला संबोधित करावं। शिवसेनेचे नेते नरेंद्र खडेकर सुद्धा या सभेला उपस्थित आहेत। छत्रपती शिवाजी महाराज की, बोलो गजानन महाराज की। आदरणीय राहुल जी की जो यात्रा कन्याकुमारी से काश्मीर जो शुरू हुई है, वो यात्रा का मध्य आज संत नगरी गजानन महाराज में उसको पूरा हुआ है, और ऐसे समय में आज एक बड़ी जनसभा राहुल जी की स्वागत के लिए जो हो रही है उसमें आदरणीय राहुल जी गांधी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, हमारे वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी, हमारे राज्य के प्रभारी एच के पाटिल जी,
हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश भैया, मुकुल जी वासनिक, हमारे विधिमंडल के नेता बालासाहेब थोरात जी, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जी, पृथ्वीराज चव्हाण जी, मंच में बैठे हुए सभी नेतागण, इसकी शुरुआत करते समय मैं इतना ही कहूंगा कि जब यात्रा जब शुरू हुई तो छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, विश्वेश्वर जी और ऐसे सभी महानुभाव का आशीर्वाद लेके इस यात्रा की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई और सफलता से आज संत गजानन महाराज जी के स्थल पे आई और राहुल जी ने गजानन महाराज जी का भी आशीर्वाद लिया मंदिर में जाके। और मैं इस यात्रा पूरी कश्मीर तक सफलता पूर्वक ये पूरी होगी और छत्रपति शिवाजी महाराज और गजानन महाराज जी का और हमारे महानुभाव का आशीर्वाद हमें प्राप्त रहेगा और महाराष्ट्र की जनता उनके पूरे साथ रहेंगी, ऐसा विश्वास मैं यहां पे व्यक्त करता हूं। और एक उदाहरण बताता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा, हम जब पैदा होते तब हमारा पूरा शरीर आता है, जब हम मां का दूध पी के जब बड़े होते जिबली के साथ तो कुछ दिन के बाद दांत आते हैं और दांत आने के बाद दांतों का काम होता तोड़ने का और जिबली का काम होता जोड़ने का। जिस जिबली ने इस दांतों को पैदा किया उस जिबली को भी दांत काटने को आगे पीछे नहीं देखते। और जैसे जैसे हम हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते तब दांत गिरते हैं और जिबली नहीं, शरीर का पूरा हमारा हिस्सा हमारे साथ रहता है। जो तोड़ने का काम करता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकते, जो जोड़ने का काम करते हैं वो कभी नहीं गिरते और कभी नहीं खत्म नहीं होते। ये यात्रा का सबसे बड़ा संक्षिप्त जॉब हम मानव जाति के लिए है और वही काम हम सबके नेता राहुल जी जो आज इस सब दिलों की धड़कन बन चुके हैं, अजान चालू असल्यामुळे थोड़ा थांब,
आणि म्हणून राहुल जी कन्याकुमारी ते काश्मीर ही जी पदयात्रा जी सुरू झालेली आहे ही तुम्हाला सांगितलं त्या प्रमाणे जे जोडणे वाले ते कधीच मरत नाही तोडणे वाले लवकरच जातात ही भूमिका घेऊनच राहुल जी या देशाचं संविधान या देशाचा तिरंगा वाचवण्यासाठी निघालेले आदरणीय तुषार गांधीजी जे महात्मा गांधीजींचे पंतू आहेत त्यांनी आपल्याला एक चांगलं उदाहरण या ठिकाणी सांगितलं की तुटण्याची वाट बघणारे जे लोक असतात देश कुठं तुटला देश कुठं तुटला असं सांगणारी लोक हे तोडण्याच्या तयारीत आहेत आणि म्हणून तुटला नाही पाहिजे म्हणून राहुलजींनी या देशाला देशाच्या सगळ्या धर्माच्या लोकांना एक सोबत घेऊन एक जोडण्याचं काम सुरू केलेलं आहे. आपल्याला लक्षात असेल की राहुलजीची जेव्हा यात्रा कन्याकुमारीतून निघाली आणि त्याच्यामधलं जे वाक्य त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलं की इसी भूमी में मैंने मेरे पिता को खोया था लेकिन इस देश के तिरंगे को मैं खोने नहीं दूंगा असं म्हणून राहुलजी त्या ठिकाणातून निघालेत आणि त्याच्यातून देशातली लोक त्यांच्या सोबत चालायला लागली. मी देगलूर पासून तर आज इथपर्यंत जेव्हा राहुलजी पर्यंत सोबत होतो असंख्य लोक गरीब असेल शेतकरी असेल बेरोजगार असेल ज्यांना पेन्शन मिळत नाही जुनी पेन्शन वाले लोक असतील असंख्य लोक विविध जाती धर्माची लोक राहुलजींना भेटलेत त्यांच्या डोळ्यातला अश्रू पुसण्याचं काम राहुलजींनी केलं आणि तुम्ही त्यांचं ते वाक्यच आहे डराव मात आणि त्या आधारावर राहुलजींनी सगळ्यांचं समाधान करून आपका भी दिन आएगा आप तो दूसरे के अच्छे दिन आ गए आपको झूठ बोलकर खुद के अच्छे दिन कर दिए और आपको सबको बर्बाद किया. सोयाबीन के शेतकरी मिळाले कापसाचे मिळाले धानाचे मिळाले ऊसाचे मिळाले अनेक शेतकरी मिळाले त्याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात असेल की गेल्या वर्षाला 12,000 रुपये क्विंटल आपलं सोयाबीन होत या वर्षाला ते 4,000 झालं म्हणजे अच्छे दिन कोणाचे आले. या दृष्टिकोनातून जे काही चित्र आज देशामध्ये निर्माण झालं राज्यात निर्माण झालं सगळ्यांच्या जीवनामध्ये काळोख निर्माण करण्याचं काम केंद्रामध्ये बसलेल्या भारतीय जनता पार्टी आणि मोदीच्या सरकारने केलं तुम्हाला प्रकाशाकडे नेणं तुमच्या जीवनामध्ये सुखसमृद्धी आणणं तुम्हाला सगळ्यांना न्याय देणं आणि सगळ्यात मोठं ज्या संविधानासाठी तुम्ही आम्ही आणि या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आमच्या पूर्वजांनी जे बलिदान दिलं त्या संविधानाला वाचवण्यासाठी राहुलजी निघालेले आहेत आणि तुम्ही एवढ्या संख्येनं याच्यापेक्षा दोन पट लोक तुम्ही इथं जे आहात त्याच्यापेक्षा दोन पट लोक अजून बाहेर आहेत. आणि मी तुम्हाला सांगतो की आम्हाला लक्षात होतं पहिल्यांदाच ही जागा कमी पडेल आणि तेच झालं आणि म्हणून तरी सुद्धा मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. आपण राहुलजींचा विचार या ठिकाणी ऐकायला सगळेजण आलेलो आहोत. मला विश्वास आहे की राहुलजींनी तुमच्या डोळ्यातलं अश्रू जे केंद्रातल्या सरकारने तुमच्या डोळ्यात जे अश्रू आणलं आणि देशाला विकून रोज देश चालवण्याचं काम केलं जाते आपला देश आपल्या देशाचा तिरंगा आपल्या देशाचं संविधान या सगळ्या गोष्टीचं संरक्षण तुमच्या आशीर्वादाच्या रूपाने निश्चितपणे केलं जाईल असा विश्वास मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. जास्त वेळ न घेता मी आपल्या सगळ्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे बाहेर पण गर्दी आहे इथं पण मोठी गर्दी आहे त्यामुळे निघतानी आपण लोकांनी थोडं लाईनशी निघा आरामात निघा काही अडचण नाही काही घाबरण्याचं काम नाही कोणाला. आणि काय आपल्याला लक्षात असतं की पंढरपूरच्या आता यात्रेमध्ये साप की घुसून टाकतात ते मधले लोक काही असं काही होणार नाही इथं कसे अनेक साप जे चावणारे अफवा उडवणारे यांची काही इलाज होणार नाही आता त्यांचा काहीच होणार नाही त्यामुळे कुठलाही घाबरता नाही शांततेनं रांगेनं आपण सगळे बाहेर निघावं एवढं आव्हान या ठिकाणी करतो आणि पुन्हा आपल्या सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद करतो आणि माझे दोन शब्द पूर्ण करतो धन्यवाद. आपण
यांची अतिशय आतुरतेने वाट पाहत आहात ते आपले नेते युद्ध का ऐलान करने का काम महाराष्ट्र की इस भूमि से हमारे महाराष्ट्र के पारंपरिक पुआते से इस युद्ध का ऐलान करते हैं। राहुल जी आपके इस लड़ाई में महाराष्ट्र के ये युद्ध ये ऐलान करने का काम शुरू करेंगे जोरदार तुतारी के साथ, जोरदार तुतारी वाजवा। वेणुगोपाल जी, एचके पाटिल जी, नाना पटोले जी, बाला साहेब थोराट जी, भूपेश बघेल जी, अशोक चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान जी, दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी, मुकुल वासनिक जी, अविनाश पांडे जी, रजनी पाटिल जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप दूर दूर से आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। संत गजानन महाराज जी की जय। तकरीबन 70 दिन पहले ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, समुद्र के किनारे यात्रा की शुरुआत हुई। हर रोज 25 किलोमीटर
ये यात्रा चलती है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा और अब महाराष्ट्र, विपक्ष के लोगों ने सवाल पूछा था यात्रा की क्या जरूरत। क्या फायदा है इस यात्रा का? देश में, देश के कोने कोने में आज बीजेपी ने नफरत और हिंसा फैला दी, डर फैला दिया है। जहां भी आप देखें आपको डर, नफरत और हिंसा दिखेगी। इस डर के खिलाफ, नफरत और हिंसा के खिलाफ हमने यह यात्रा शुरू की है। और यात्रा का लक्ष्य आपको कुछ बताने का नहीं है, आपको कुछ समझाने का नहीं है, अपनी मन की बात रखने का नहीं है। यात्रा का लक्ष्य आपकी आवाज को सुनने का है, आपके दर्द को समझने का है। मैं सोचता हूं कि डर से, नफरत से, हिंसा से बंटवारा होता है, प्यार से, जनता की आवाज को सुनने से, जनता से गले लगने से लोग जुड़ते हैं। नफरत से इस देश को कभी फायदा नहीं होगा। मैंने डर की बात बोली, डर कहां, डर किस बात का? विपक्ष के लोग पूछेंगे डर किसका, कौन डरा हुआ है? अगर वो इन सड़कों पे चलते पांच मिनट में उनको बात समझ आ जाती। भाइयों और बहनों, इस प्रदेश में पिछले छह महीनों में कितने किसानों ने आत्महत्या की है? क्यों की है? किस कारण की? किसी भी किसान से बात करो, आपको कहेगा हमें सही रेट नहीं मिलता। तंग आ गया हूं मैं इन शब्दों को सुनकर। पहली बात बोलते हैं, मैं पूछता हूं कैसे हो कहते हैं सही रेट नहीं मिलता। दूसरा सवाल पूछता हूं क्या हो रहा है, कहते हैं हमने बीमा का पैसा भरा। आंधी आई, एक रुपया नहीं मिला। और फिर सवाल पूछते हैं, राहुल जी एक बात बताइए, हमें समझ नहीं आती बात, किसान आत्महत्या करता है क्यों करता है,
50,000 रुपए का कर्ज होता है, 1,00,000 रुपए का कर्ज होता है और लाइन लग जाती है, हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। 50,000 रुपए का कर्ज होता है, 1,00,000 रुपए का कर्ज होता है। कितने किसानों ने मुझसे पूछा, राहुल जी हमें एक बात समझा दीजिए, हमने क्या गलती की, 1,00,000 रुपए का हमारा कर्ज माफ नहीं होता मगर हिंदुस्तान के अरबपतियों का 1,00,000,000,000 रुपए कर्ज माफ हो जाता है, क्यों? क्यों? वो पूछते हैं। ये डर नहीं है तो क्या है? और ये ऐसे ही नहीं फैला है, पहले भी विदर्भ में किसानों को मुश्किल हुई थी, उस समय दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमने विदर्भ के किसानों की आवाज सुनी और एकदम विदर्भ को पैकेज दिया। डर कैसे मिटता है? डर सुनने से मिटता है, डर गले मिलने से मिटता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं उस स्टेज से, अगर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दिल खोलकर प्यार से महाराष्ट्र के किसान की आवाज सुन ले, यहां पे कोई आत्महत्या नहीं करेगा। क्योंकि अगर उन्होंने दिल खोलकर आवाज सुनी तो जो किसान सह रहा है, जो उसके दिल में दर्द है, उसे वो समझ जाएंगे, और अगर उसे समझ जाएंगे तो कुछ ना कुछ मदद वो किसान की कर देंगे। इन सड़कों पे सिर्फ किसान नहीं मिलते, युवा भी मिलते हैं। हजारों युवाओं से मैंने बात की, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, कोई पब्लिक सेक्टर में काम करना चाहता है। हर युवा के माता ने, पिता ने खून पसीने के पैसे डाले हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं बच्चों को, कॉलेज भेजते हैं, फ्री में नहीं आता महाराष्ट्र में, ही मुफ्त में नहीं मिलती शिक्षा, 1,00,000 रुपए देते हैं और फिर इन सड़कों पे क्या सुनने को मिलता है? क्या पढ़े इंजीनियरिंग, कौन सी मैकेनिकल, क्या कर रहे हो, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो? मुंह नीचे करते हैं, कहते हैं मजदूरी कर रहा हूं, उबर की गाड़ी चला रहा हूं। क्या हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं कि माता पिता 1,00,000 रुपए डालें, बच्चों की शिक्षा में डालें, सारा का सारा पैसा उनके जेब में से निकलकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में चला जाए? और उनका सपना कभी पूरा ना हो, ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। यह किसी और का हिंदुस्तान है, यह हमें नहीं चाहिए। 2-3 उद्योगपति देश का पूरा धन उठा के ले जाएं और हमारे युवा अपना सपना कभी ना पूरा कर पाए, ऐसा नहीं चाहिए हमें हिंदुस्तान। और सिर्फ हम होने नहीं देंगे, छोड़ो,
ऐसा हिंदुस्तान हम होने नहीं देंगे। तो किसानों के दिल में डर, युवाओं के बीच के दिल में डर, उनके माता पिता के दिल में डर, और फिर उस डर को बीजेपी नफरत में बदलती है, बांटने का काम करती है, भाई को भाई से लड़ाती है। आप सबके परिवार हैं, आप सबके भाई हैं, माता पिता हैं, परिवार में नफरत होती है तो परिवार का फायदा होता है या नुकसान? कोई है यहां पे जिसके परिवार में नफरत से फायदा हुआ है? कोई भाई है यहां पे जिसको अपने भाई से लड़ने से फायदा हुआ? कोई है यहां पे बेटा जिसको अपने पिता से लड़ाई करने से फायदा हुआ? कोई है? नहीं हो सकता। तो अगर परिवार को फायदा नहीं होता तो देश को कैसे फायदा हो जाएगा? देश भी तो एक परिवार है, लाखों परिवारों से देश बनता है। तो हिंसा से, नफरत से देश को फायदा नहीं हो सकता। और आज ये आपकी धरती है, महापुरुषों की धरती है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, ज्योतिबा फुले जी, शाहू महाराज जी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी, सावित्री भाई फुले जी, होलकर जी, संत गाडगे महाराज जी, धनेश्वर महाराज जी, शिरडी साई बाबा जी, लिस्ट है। इनमें से किसी ने यह कहा था कि नफरत और हिंसा फैलाओ? किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। सबने प्यार की बात की, सबने लोगों को जोड़ने की बात की, और वही यह यात्रा कर रही है। हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो तोड़ने का काम करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। आज यात्रा में मैं बैठा था, यात्रा के बीच में हम चाय पीते हैं, मैं चाय पी रहा था, और उधर से एक व्यक्ति आए, आर्मी में हुआ करते थे। मैंने उनको देखा, पहले बात समझ नहीं आई, मैंने कहा ये क्या है, और फिर जब वो पास आए मैंने देखा उनकी टांगे नहीं थी, एक हाथ नहीं था। मुझे उन्होंने बताया कि जब उनको चोट लगी उनकी टांगे काट दी गई तो 3 महीने के लिए अस्पताल में उन्होंने अपनी बीबी को बताया नहीं कि उनके पैर कट गए। महीनों वो अस्पताल में रहे, दोनों पैर कट गए, एक हाथ टूट गया, इंटेस्टाइन्स बाहर आ गई थी, छाती खुल गई थी। और मेरे साथ बैठे मुस्कुरा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने पूछा बताइए आपको इतनी बड़ी चोट लगी, आपके खिलाफ इतनी हिंसा हुई, आपको
आपको नफरत नहीं आती क्या? आपके दिल में नफरत है क्या? मुस्कुरा के कहते हैं मुझे किसी से नफरत नहीं है। और अगला शब्द कहते हैं, मैंने पूछा क्यों, कहते मेरे दिल में डर नहीं है, मैं नहीं डरता। जिस दिन, सुनो, जिस दिन मेरे पैर कट गए उस दिन मैंने सोचा नई जिंदगी है, इसको मैं जीऊंगा, हिम्मत से जीऊंगा। भाई और बहनों, जिसने भी अपनी जिंदगी में हिंसा सही है, जिसने भी हिंसा सही है, जिसको भी सच्ची चोट लगी है, उसके दिल में डर नहीं होता है और उसके दिल में नफरत नहीं होती है। ये सब लोग जो नफरत की बात करते हैं, इनको कभी चोट नहीं लगी है, इनके खिलाफ किसी ने हिंसा नहीं की है, इसलिए ये बात करते हैं। जो दिन भर देश को अपना खून पसीना देता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, युवा हो, उसके दिल में नफरत नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं उठता। आज हम यहां आए, शिवाजी महाराज जी जिन्होंने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, उनकी जमीन है। मां के बिना जो मां होती है वो बेटे को रास्ता दिखाती है। शिवाजी महाराज जी को शिवाजी महाराज किसने बनाया, वो कैसे बने शिवाजी महाराज, और वो शिवाजी महाराज थे क्या? हां, वो एक व्यक्ति थे जरूर, मगर वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे। उनमें और हम सब में क्या फर्क था? फर्क यह था कि वो महाराष्ट्र की आवाज थे, पूरी की पूरी जो आपके दिल में जो भावना थी वो शिवाजी महाराज के अंदर थी। और उनको रास्ता दिखाने का काम किसने किया? उनकी माता जी ने किया, राष्ट्रमाता जीजाऊ जी ने किया। तो आज हम उनकी भी याद करते हैं। जो शिवाजी महाराज जी ने कहा और आपके सब महापुरुषों ने कहा, वही काम ये यात्रा करने की कोशिश कर रही है। और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हो, क्योंकि आपने इस यात्रा को अपनी पूरी की पूरी शक्ति दे दी, पूरा प्यार आपने दिया। आसान काम नहीं है, 3500 किलोमीटर चलना आसान काम नहीं है, मगर आपने आसान बना दिया। अब देखिए नेताओं के चेहरे, देखिए थकान नहीं है किसी में, मेरा चेहरा देखिए, कोई थकान नहीं है। यह आपका काम है, आपने हमें प्यार दिया, आपने हमारी मदद की और आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। महाराष्ट्र के किसानों ने, युवाओं ने, माताओं ने, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है और इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं ये अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा कि महाराष्ट्र की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी शक्ति दी,
और इतना ज्ञान दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म देने वाली मां जिताऊ मां छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म देने वाली मां जिजाऊ मां साहब के जिले में राहुल जी आए हैं। मैं यशोमती जी ठाकुर और मनोज कायंदे से अनुरोध करूंगा कि वो जिजाऊ मां साहब की फ्रेम राहुल जी को दे। अनुरोध करूंगा, एक कलाकार ने राहुल जी का बहुत बढ़िया चित्र बनाया है, लातूर के कलाकार वो दे। मन की नहीं अमन की बात, चलो चले साथ साथ, नफरत की अंधियारी रात चलो मिटाए साथ साथ, छोड़ो 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 छोड़ो, राष्ट्रहित के लिए नफरत छोड़ो। मी सगळ्यांना आपल्याला विनंती करतो की राहुल जी जाईपर्यंत कृपया कोणी पण इथून जायचं नाही। राहुल जी जातायत, कृपया आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की आपण 2 मिनिटांसाठी आहे तिथं उभं राहा। बोला छोडो 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 छोडो, नफरत छोड़ो। राहुल जी अजून 2 दिवस आपल्या जिल्ह्यामध्ये चालणार आहेत, उद्या आणि परवा देखील। मी आपल्या बुलढाणा जिल्ह्यातल्या सगळ्यांना विनंती करतो की आपण सगळ्यांनी उद्या आणि परवा राहुल जींच्या सोबत चालायचंय, त्यासोबतच बाहेरून आलेल्या सगळ्यांचं, मंचावरच्या सगळ्यांचं, सर्व भारत जोडो यात्री, महाराष्ट्रातले सगळे प्रदेश यात्री, बुलढाण्याचे सगळे यात्री, या सगळ्यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। मीडिया, पत्रकार आणि इथं उपस्थित असलेल्या आपल्या सगळ्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो। ज्या पोलिसांनी, इतर कर्मचाऱ्यांनी या आम्हाला सहकार्य केलं त्या सगळ्यांचं मनापासून आभार। आणि एवढ्या मोठ्या प्रचंड संख्येने संपूर्ण जिल्ह्यातून आणि महाराष्ट्रभरातून इथं मोठ्या संख्येने आपण सगळे उपस्थित आहात, आपल्या सगळ्यांचं मनापासून